नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं फिर से एक केस स्टडी लेकर आ गया हूँ मिस्टर राजकुमार जी के ऊपर। जी हाँ, स्वर्गीय मिस्टर राजकुमार जी के ऊपर। आप में से अधिकांश लोगों को ये पता नहीं होगा कि मिस्टर राजकुमार जी जो थे वो विग पहनते हैं। जी हाँ, वो उन्होंने ताउम्र जो है विग पहनकर जो है हेयर सिस्टम पहनकर जो है हीरो का रोल किया है और शानदार जीवन रहा है उनका एक अभिनेता के रूप में। मैं इस टाइप के वीडियोस क्यों बनाता हूँ? आप में से कुछ एक छोटा सा वर्ग है जो इस चीज़ को लेकर डाउट में है कि मैं इस टाइप के वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। वो एक्चुअली नए जुड़े हैं, ठीक है, वो नए जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो नए जुड़े हैं उनको ये लग रहा है कि मैं इस टाइप के वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। कुछ लोग ये बोले तो नेगेटिव वीडियोस क्यों बना रहे, इतना नेगेटिव थिंकिंग क्यों है? इट्स नॉट नेगेटिव थिंकिंग। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सब जो है ना आइडियलाइज करते हैं अपने मूवी एक्टर्स को देखकर, अपने हीरोज को देखकर। अमिताभ बच्चन जी के कान थोड़े से बड़े थे तो उन्होंने अपने बालों को जो है बड़ा करके अपने कान के ऊपर रख लिया था, वो स्टाइल बन गया था। सभी हम उस टाइम की जो यूथ थी उस टाइप की हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिया था। राजेश खन्ना जी का हेयर स्टाइल तो सभी को पता है, कॉपी करते थे। इवन हमारी जनरेशन में सलमान खान की जो मूवी आई थी तेरे नाम, तेरे नाम में जब उन्होंने ऐसे बाल गिराए थे तो हम सभी ने जो है उस हेयर स्टाइल कॉपी किया था। कहने का आशा यह है कि हम सब जो है अपने मूवी एक्टर्स को जो है कॉपी करते हैं, लेकिन और उसके बाद अपने आप से डिप्रेस फील करते हैं, अरे मेरे बाल नहीं, मैं ऐसी हेयर स्टाइल नहीं रख सकता, मैं काला हूँ, मेरा हीरो तो गोरा है, मेरी हाइट नहीं है, मेरे हीरो की क्या हाइट है, क्या बॉडी है। तो हम ये जो कंपैरिजन अपने हीरो के साथ करके डिप्रेस होने लगते हैं। इसीलिए मैं जो है अब हमारे जो मूवी एक्टर्स हैं उनकी उनको एक अलग नज़रिए से आपको मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग भी उन सब चीज़ों से गुजरते हैं जो हम गुजरते हैं, बट किस तरीके से ये डील करते हैं उन सिचुएशंस को, वो मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आज से नहीं, बहुत पहले से लोग जो है अपने आप को जो है लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन वो किस तरीके से उसको डील करते हैं उसी के ऊपर मेरे ये वीडियोज हैं जो कि काफ़ी पसंद आ रहे हैं लोगों को काफ़ी। अगर आपको भी अच्छे लग रहे हैं तो ये जो लाइक का बटन है इस लाइक के बटन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पहली बार अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर पहुंचे और सबसे पहले आप वो देख पाए। चलिए मिस्टर राजकुमार जी के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मिस्टर राजकुमार जी बाल नहीं था, वो तो ठीक है बाल उनके सर पर नहीं था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो लोग थे वहाँ उस टाइम के लोगों को लगता था ये हीरो की शक्ल ही नहीं है ऐसी, ये हीरो लाइक शक्ल ही नहीं है, पत्थर जैसा शक्ल, कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता था, ठीक है, ना डांस आता था कुछ खास, बस वॉक करते थे। लेकिन जो डायरेक्टर्स जो थे उस टाइम के, उन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया कि इन जब ये बोलते थे, ये अपने आप में एक राजकुमार थे, जब ये बोलते थे इनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो मतलब जहन में उतर जाती थी लोगों के। इनके कितने फेमस डायलॉग हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, और कितने डायलॉग्स हैं सौदागर मूवीज़ के डायलॉग, लुक एट हिम, सौदागर मूवी की जो डायलॉग्स हैं पूरी डायलॉग के ऊपर इतनी लंबी मूवीज चलती है सौदागर मूवीज़ में। तो तिरंगा मूवी के फिल्म के डायलॉग तो अभी भी हम सबके जहन में उतरा हुआ रखा है। वो जो एक अदाकारी थी कि मैं इस्तीफा अपने जेब में लेके, खुददार आदमी अपना ईमान का पक्का कि मैं इस्तीफा जो है मैं आज भी अपने जेब में लेकर चलता हूँ, मींस किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, कुछ हुआ तो ये लो मेरा इस्तीफा, मींस सिस्टम को उसकी जरूरत थी, जिस भी वो जॉब में थे, पुलिस की जॉब में थे, किसी भी जॉब में, सिस्टम को उनकी जरूरत थी राजकुमार जी की, मींस वो स्वैग, वो अकड़ लेकर चलते थे पूरी राजकुमार उनकी पर्सनैलिटी पर पूरा ये नाम सूट करता था। तो ये डायरेक्टर्स लोगों ने यही चीज़ देखा कि इनको अच्छे डायलॉग्स दिए जाएँ तो ये, और वो जो आवाज़ था उसके साथ वो जो डायलॉग देते थे तो एक अलग ही समा बांध देते थे। उसके साथ साथ वो जो वाइट शूज़ में जो इनकी एंट्री होती थी, क्लोज अप वाइट शू पे जाता था, उसके बाद उनकी पूरी पर्सनालिटी दिखाई जाती थी, ये सारी चीज़ें पब्लिक को बहुत पसंद आई। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि भाई पर्सनालिटी के जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अगर आप और हम जो है उन जगहों पर फोकस नहीं करेंगे तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप और हम आए हुए हैं, कितना कुछ है तुम्हारे अंदर, वो सारी चीज़ें तुम अभी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे अगर अपनी इनसिक्योरिटीज़ को पकड़ के बैठे रहोगे तो। जिसका जीता जागता सबूत है मिस्टर राजकुमार जी, जो आवाज़ इनकी पहचान थी, उसी गले में जो है इनको शायद कैंसर हो गया था, और इन्होंने जो है इनकी इच्छा यही थी किसी कुछ पता ना चले और चुपचाप वो इस हम सभी को छोड़ के चले गए, और उनकी आवाज़ अभी भी हमारे कानों में गूंजती है। क्या आप लोग में से किसी को फ़र्क पड़ता है कि बाल थे नहीं थे?
कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइफ की जर्नी है, आप क्या देकर गए, क्या इम्पैक्ट छोड़ के गए, क्या इंप्रेशन छोड़ के गए, वो मायने रखता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मोटिवेशन जरूर मिला होगा। फिर मिलते हैं एक और नए किसी एक्टर के साथ, उनकी लाइफ को, उनके जीवन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कई सारे इनसिक्योरिटीज से होकर अपने लाइफ को सक्सेसफुली जीकर चले गए और हम सभी को कुछ ना कुछ देकर चले गए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए और व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप कहीं, आप में से कोई अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कहीं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नया वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।